इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, जब हम हमारे मैसेज के थ्रू किसी को MMS या फिर कोई पिक्चर, इमेज, फ़ोटो, वीडियो भेजते हैं, तो वहाँ पर इस तरीके से लिखा आता है, योर फ़ोन कार्ड डज नॉट सपोर्ट MMS। तो इसका क्या मतलब है? और हमारा जो पिक्चर है, मतलब फ़ोटो वगैरह आप जो भेज रहे हैं किसी को, या फिर वीडियो भी, तो वो सेंड क्यों नहीं हो रही, इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, बेसिकली यहाँ पर हम अभी एक मैसेज के थ्रू एक पिक्चर को सेंड कर रहे हैं, इमेज को सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से बता रहा है। इसका मतलब यही होता है कि आपका जो फ़ोन है एक लो इन डिवाइस है, या फिर जो फ़ोन है आपका वो MMS सेंडिंग को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर हमने इमेज तो यहाँ पर ऐड कर ली है, इमेज यहाँ पर मैसेज में ऐड भी हो चुकी है, बट जैसे हम सेंड बटन को दबाते हैं, वो सेंड का बटन जो है दबता है, बट वहाँ पर लिखा आता है योर फ़ोन कार्ड डज नॉट सपोर्टेड MMS। देखिए, कई सारे फ़ोन जो है MMS को सपोर्ट नहीं करते हैं, लगभग 90% जो फ़ोन्स होते हैं MMS सपोर्टेड नहीं है। अभी जो न्यू फ़ोन आए हैं उसमें फीचर मिल जाता है MMS भेजने का, बट जो पुराने फ़ोन हैं, लगभग 4-5 साल पुराने, उनमें MMS का फीचर जो है हटा दिया गया है, या फिर उसमें आपको मिलता ही नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर हम अगर भेजते भी है तो वो सेंड होगा नहीं, यहाँ पर इस तरीके से एरर आता है। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप जिसको भी भेजना चाहते हैं उसके व्हाट्सएप नंबर को आप पर अगर वो व्हाट्सएप पर है तो उसके थ्रू आप जो है अपनी जो भी पिक्चर वगैरह, इमेज, वीडियो वगैरह भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर भेज सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आप मतलब जहाँ पर आप भेजना चाहते हैं उसको आप अपने गैलरी कॉन्टैक्ट नंबर में सेव कर ला लीजिए, देन व्हाट्सएप में आप उसे चेक कर लीजिए अगर वहाँ पर आपको अकाउंट मिलता है। तो यही जो भी मैसेज आपको MMS के थ्रू यहाँ पर भेजना होता है वो वहाँ पर आप जाकर सेंड कर सकते हैं। लेकिन मैसेज के थ्रू अगर आपके फ़ोन में इस तरीके से दिखाता है, देन आप जो है MMS अपने फ़ोन से नहीं भेज सकते, क्योंकि ये बाई डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से ही आ रही है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।